छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दो एजेंडे पर काम करती है, भ्रम और डर पैदा करती है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, यह अस्तित्व में रहेगा और संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस लगातार भ्रम फैला रही है। देश की जनता उनकी भय और भ्रम की राजनीति से बहुत दूर जा चुकी है। कांग्रेस अपने अंत की राह पर आगे बढ़ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बस्तर के लोगों के विकास और प्रगति के लिए शांति जरूरी है, नक्सल मुक्त बस्तर जरूरी है और हमारी सरकार इसे लेकर गंभीर है। हमारे सुरक्षा कर्मी लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और उनके प्रयासों से हमें सफलता भी मिल रही है। मैं जैसे कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भ्रम और भय ये दो एजेंडे पर कांग्रेस काम करती है। आरक्षण को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट रूप से देश के सामने कहा है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, आरक्षण लागू रहेगी, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद भी लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं तो आज देश की जनता इनके भय और भ्रम की राजनीति से दूर आ चुकी है। जनता इनसे दूर जा चुकी है। इनके भय और भ्रम के जाल में देश और प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी, अब ये गांधी परिवार के लोग जितना प्रचार करने आएंगे उतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। देखिए, हमने चुनाव के समय भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बस्तर के लोगों के विकास और तरक्की के लिए, बस्तर की तरक्की के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था आवश्यक है और शांति के माध्यम से ही विकास आ सकता है। विकास के लिए वहां शांति व्यवस्था आवश्यक है। बस्तर के आदिवासी भाई बहन के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सरकार की सुविधाएं पर मिले, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था हो और इसलिए वहां शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है और इसलिए नक्सल मुक्त बस्तर ये आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है। हमारे सुरक्षा के जवान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं तो सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई देता हूं कि उनके प्रयत्नों से लगातार हमें सफलता मिल रही है। सुरक्षा के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के प्रयत्नों से लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। निश्चित रूप से सुरक्षा के जवान बधाई के पात्र हैं।